आयुर्वेद समाधान में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोग हमारा चैनल आज ही सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, पवित्र तुलसी को जड़ी बूटियों की रानी के रूप में जाना जाता है। तुलसी भारत में सबसे पवित्र जड़ी बूटी के तौर पर मानी जाती है। हिंदू संस्कृति में तुलसी की पूजा की जाती है। ये आयुर्वेद में अपने औषधीय उपयोग के लिए जानी जाती है। इसे कई बीमारियों के लिए प्रभावी माना जाता है। तुलसी में प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट की एक श्रृंखला होती है जो शरीर के ऊतकों को मुक्त कणों की क्षति से बचाने में मदद करती है। तुलसी सभी रूपों में, सूखे, ताजे और पाउडर के रूप में कोई भी रूप हो, ये बहुत ही फायदेमंद मानी जाती है। कुछ तुलसी पत्तियों को नियमित रूप से सेवन करने से शरीर हमेशा निरोग रहता है। तो चलिए, आज हम आपको बताने जा रहे हैं तुलसी की चाय और उसका सेवन और उसको सेवन करने से क्या फायदे होते हैं और उसको बनाने का क्या तरीका है। तो चलिए विस्तार से फायदे जान लेते हैं। सबसे पहले, श्वसन विकार में लाभदायक है। तुलसी चाय ठंड और खांसी में ब्रोंकाइटिस और अस्थमा तक की कुछ श्वसन बीमारियों को रोकने में मदद करती है। ये प्रतिरक्षा प्रणाली में वृद्धि करने में मदद करती है, खांसी में राहत दिलाती है और श्लेष्म बाहर निकालने में मदद कर श्वसन प्रणाली में राहत प्रदान करती है। इसमें कुछ तेल हैं जो कंजक्शन को दूर करने में मदद करते हैं, तनाव को दूर करती है तुलसी। कुछ अध्ययनों में ये साबित हो गया है कि तुलसी चाय शरीर में कार्टिसोल हार्मोन के सामान्य स्तर को बनाए रखने में मदद करती है, जिसे तनाव हार्मोन के नाम से जाना जाता है। ये कार्टिसोल के स्तर को कम करता है, इससे आप तनाव मुक्त हो जाते हैं। वास्तव में ये अवसाद के विभिन्न लक्षणों को कम करने के लिए जानी जाती है, जिसमें चिंता शामिल हो सकती है। तीसरा है, ये रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करती है। नियमित दूध के बजाय तुलसी चाय पिएं, क्योंकि ये रक्त शर्करा के स्तर को कम करने में मदद करती है। तुलसी चाय का दैनिक सेवन कार्बो और वसा के चयापचय को सुविधाजनक बनाने में मदद कर सकता है। चौथा है, दांतों और मुख स्वास्थ्य के लिए बेहतर होती है। तुलसी चाय में एंटी माइक्रोबियल गुणों की उपस्थिति मुंह में हानिकारक बैक्टीरियाज और रोगाणुओं के खिलाफ मुकाबला करने में मदद करती है। माउथ फ्रेशनर के रूप में कार्य करती है। इसके अलावा यह बदबूदार सांस को रोकती है। अगला है, गठिया के दर्द को कम करती है। तुलसी के तेल में यूगेनॉल नामक एक घटक होता है जो पाचन तंत्र के लिए लाभदायक होता है। साथ ही इस घटक में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं जो गठिया के दर्द को शांत करते हैं। अब तुलसी की चाय कैसे बनानी है, जरा विस्तार से देख लीजिए। तुलसी की चाय बनाना बेहद आसान है। आपको बस इतना करना है कि एक पैन में एक कप पानी ले लें और उसमें 2-3 तुलसी के पत्तों को डालकर इसे उबालें। पानी को अपने रंग और स्वाद को अवशोषित करने दें। लगभग 3 मिनट के बाद एक गिलास में चाय निकाल लें। अतिरिक्त लाभ के लिए इस चाय में आप एक चम्मच शहद और नींबू का रस डालकर पी सकते हैं। अगर और ज्यादा फायदे चाहते हैं तो इलायची और अदरक भी डाल सकते हैं। दोस्तों, आयुर्वेद समाधान जीवन जीने की एक पद्धति है, जिसमें बताए गए नुस्खे वैद्यों की राय के मुताबिक होते हैं। जीवन को निरोग बनाने के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए आयुर्वेद समाधान, क्योंकि आयुर्वेद समाधान है हर रोग का निदान।